गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों अब सुबह के 5:10 हो गए हैं और हम नहा धोके रेडी होके बाइक पे बैठ गए हैं और अभी निकल रहे हैं मांगी तुंगी के लिए। दोस्तों धर्मशाला से आगे आप 1 किलोमीटर आएंगे तो ये गेट दिखाई देगा। यहाँ से लेफ्ट की साइड से अगर हम लोग चले जाते हैं तो ट्रस्ट की गाड़ी से हम लोग कुछ दूरी तक ऊपर जा सकते हैं, और पैदल जाना है तो हमें राइट साइड की ओर जाना है। तो अभी हम लोग पैदल जाने वाले हैं, इसलिए राइट साइड चलते हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु अभी आना शुरू हो गए हैं और हम भी अभी 5:15 यहाँ से यात्रा का सफर शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये है एंट्रेंस गेट और यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों 40 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग पहले पड़ाव तक आ चुके हैं। अंधेरा होने की वजह से आपको यहाँ बराबर दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सीधा मांगी तुंगी पर्वत की ओर चला जाता है और दूसरा लेफ्ट साइड से जाने वाला रास्ता ऋषभदेव जी की जो 108 फीट की मूर्त है वहां पे लेके चला जाता है। बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों के लिए इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए डोली की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके चार्जेस वेट के हिसाब से होते हैं, पर केजी 60 रुपीज इसके चार्जेस हैं। दोस्तों ये यहाँ पे एक छोटी सी गुफा दिख रही है और उसके सामने ये है पानी का कुंड। अभी अंधेरा है इसलिए आपको बराबर दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ये पीने लायक लगता नहीं है। आप अगर यहाँ आते हो तो पानी अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। 1 घंटे के चलने के बाद हम अपने दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं। यहाँ से 2 राहें निकलती है, एक जाती है तुंगी की तरफ और एक जाती है मांगी की तरफ। तो हम लोग पहले तुंगी की तरफ जाना चाहेंगे क्योंकि सुबह का वक्त है और हमें यहाँ से सूर्य उदय काफी अच्छी तरह से दिख सकता है। दोस्तों वंस अगेन गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हवा मस्त तेज चल रही है और पूरी थकावट हवा ने दूर कर दी। ये देखिए तुंगी शिखर का नजारा और यहाँ से नीचे का नजारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों इस कुंड में हमें पानी दिखाई दे रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि ये पीने लायक नहीं है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं या जो पर्यटक आते हैं वो लोग इसमें गंदगी फैलाते हैं, इसलिए हम लोग ये पी नहीं सकते। अगर आप कहीं भी जाते हो तो ऐसी गंदगी ना करें। मांगी तुंगी शिखर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है। इस पहाड़ पर स्थित सभी मूर्तियां दिगंबर जैन तीर्थकारों की है। एग्जैक्टली इस शिखर के ऊपर हमें चांद दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल माथे पर है और ये रहा सूर्योदय। सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं। तेज हवा चल रही है और इसी तरह से इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। यस सर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों ये देखिए एक छोटी सी गुफा है और यहाँ पे ये कुछ शिल्प बनाया हुआ है। अभी वो पूरा ध्वस्त हो चुका है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ पे 1-2 करोड़ नहीं 99 करोड़ दिगंबर जैन साधु संत ऐसे मोक्ष गए हैं, जिसमें हम बोलते हैं हमारी जैन रामायण में दिगंबर रामनाई की जो किताब है, बहुत बड़ी रामायण है, जैन रामायण और पद्म पुराण, ये 2 ग्रंथ है जैन समाज के। तो उसमें लिखा हुआ है राम हनु सुग्रीव सुडिल गव गवाख्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति प्यान तुंगी गिरी बंदोधर ध्यान। ये पहाड़ 2 शिखर में बटा हुआ है परंतु ओरिजिनल पहाड़ एक ही है, तुंगी गिरी सिद्ध क्षेत्र जो पूर्व दिशा में आता है। और ये चोटियां 2 है, पहाड़ 1 है, गगनचुंबी शिखर है और इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र सतह से 4,343 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे यात्रा करने वाले सज्जनों के लिए मैं बता दूं यहाँ पे 3,500 सीढ़ियां है मांगी तुंगी पहाड़ पे। जो भी भक्तगण पधारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, दूर दूर से यात्री आते हैं। बम्बई प्रांत के मध्य में नासिक जिला महान पोस्ट मुलेर बखानिए भीलवाड़ शुभ ग्राम ताके उत्तर दिशी मांगी तुंगी शुभ नाम गिरि विशाल शोभे यहाँ सिद्ध क्षेत्र पहचान। हे भव्य जनो इस सिद्ध क्षेत्र की महिमा तो तुम भी सुन लो, जिससे पाप कटे सारे ये भाव सही थी है मैं धर लो। द्वारिका भस्म हुई कृष्ण और बलराम चले भ्रमते भ्रमते इस जंगल में यहाँ निकले। दोस्तों मॉर्निंग में अंधेरा था इसीलिए मैंने इस जगह पे कुछ शूट नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं वो है मांगी
और यहाँ पे तुंगी, और इसके बीच में है ये वॉल। इस वॉल को क्रॉस करके हमें मांगी से तुंगी की ओर जाना होता है। यहाँ पहुँचते ही हम लोगों का सामना हुआ हमारे पूर्वजों से। ये देखिए अपने पूर्वज यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल डर नहीं लगता है उनको। ये रास्ता उन लोगों का हर रोज का रास्ता है। दोस्तों, सामने वाले शिखर का यात्रा सफल करके अभी हम लोग पहुँचे हैं इस मांगी शिखर के नीचे। तो अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है मांगी शिखर की। दोस्तों, तो फाइनली 8 बजे हम लोग इस मांगी के शिखर तक पहुँच गए हैं। हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी 5:20 में, तो अब अभी कैलकुलेट करो कितना समय लगा। और हम लोग आराम आराम से आए, रुकते रुकते 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया और थोड़ा थोड़ा पानी पीते यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलो अब करते हैं इस शिखर की परिक्रमा। पानी तो बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन पीने लायक बिल्कुल नहीं। चलो चलते हैं इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर में महावीर भगवान की मूर्त तराशी गई है और ये पूरी ब्लैक पत्थर में दिखाई दे रही है। आपको लगेगा ये कुछ कलर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कलर है, ये पूरा ब्लैक पत्थर है। मांगीगिरी दिगंबर जैन गुफा, 1008 महावीर भगवान। इस कोने में भी छोटी छोटी मूर्त तराशी हुई है और ये है इस गुफा का छत। ये देखिए, इस पहाड़ के ऊपर एक कुआं है और ये लगता है मुझे 30 फीट तक इसकी गहराई है और इसमें पानी भी भरा हुआ है। दोस्तों, इस ट्रस्ट ने एक फैसिलिटी दे दी है, अगर जो भी भक्त पैदल नहीं आ पाते हैं ऋषभदेव का दर्शन करने के लिए, वो भक्त को इस पिकअप की सुविधा मुहैया कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक ये छोटा सा रास्ता है और एक बड़ा सा। ये जो रास्ता है ये पुराने जमाने का रास्ता है, शायद सैकड़ों साल पहले का है। ये देखिए कितना छोटा रास्ता था और शायद ऐसा ही पूरा ऊपर तक रहा होगा, लेकिन अभी हमें ये इतना ही दिखाई दे रहा है। इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे पता नहीं, लेकिन पुराने लोगों को मानना होगा कि छन्नी और हथौड़ी के साथ उन्होंने ऐसी ऐसी करामतें करके दिखाई है। बच्चे लोग कहाँ से आ गए हो? मुंजार से। कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में? कहाँ पे है ये गाँव? महाराष्ट्र। कौन से जिले में? नासिक। अच्छा, नासिक से ही है आप। हाँ। फिर क्या स्कूल का पिकनिक है? क्लास का ट्यूशन का। ओके, तो आप कितने बच्चे आए हैं? 24 आए हैं। ठीक है, आराम आराम से ऊपर जाइए, ज़्यादा पानी नहीं पीने का, कुछ खाने का नहीं ऊपर जाते समय। ओके, और भागने का नहीं, दौड़ने का नहीं, और गंदगी नहीं फैलाने की। चल भी नहीं तो भागेंगे कैसे? हाँ नहीं, फिर भी ऊपर भाग सकते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रख के जाने का। ओके, बाय बाय। दोस्तों, अभी 8:50 हो गए हैं और इस गेट के सामने हम लोग आके पहुंच गए हैं। यहां से अब हम जाएंगे ऋषभदेव जी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, एग्जैक्टली 9 गए हैं और हम लोग पहुंचे हैं इस स्ट्रक्चर के सामने। यहां पे स्टेयरकेस है, हम लोग इसके ऊपर पैदल भी जा सकते हैं या तो फिर यहां पे लिफ्ट की सुविधा भी अवेलेबल है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग अभी लिफ्ट से जाएंगे। दोस्तों, तो फाइनली हम लोग मूर्त के सामने आ पहुंचे हैं और ये देखिए 108 फीट की भगवान श्री ऋषभदेव की विशालकाय मूर्त। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि ये मूर्त जो है एक ही पत्थर में तराशी गई है और इसे तराशने के लिए ये पूरा पहाड़ को तोड़ दिया है। मूर्त के पीछे का हिस्सा देखिए, ये पूरा पहाड़ का ही हिस्सा है जो अभी बचा के रखा है, और मूर्त के चारों साइड का पहाड़ का हिस्सा तराश तराश के निकाल दिया गया है। और ये देखिए कितना बड़ा ये पहाड़ है, इसको उसकी चोटी से नीचे तक का हिस्सा पूरा निकाल दिया है। दोस्तों, ऋषभदेव का दर्शन हो गया है और अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, लेकिन नीचे जाने के लिए हम लोग वापस सीढ़ियों से नहीं जाने वाले हैं, हम लोग इस्तेमाल करने वाले पिकअप सर्विस का। और पिकअप सर्विस के ये दो कूपन ले लिए हैं,
जो 100-100 रुपीस के हैं, ये यहाँ से नीचे जाने के लिए है। और एक कूपन और हम लोगों ने ले लिया है, जो नीचे से हम लोगों को जहाँ से हम लोग अभी पहुँच जाएंगे वहाँ से सुबह जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ तक छोड़ने के लिए, तो कुल मिला के इसका 300 रुपये हम लोगों को चार्ज किया है। दोस्तों अभी एक नया एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो कि यहाँ जो पिकअप सर्विस है, इस पिकअप सर्विस का इस्तेमाल करके हम लोग नीचे पहुँच रहे हैं। ये रास्ता पूरा स्टीप है और स्ट्रेट भी है। तो ये थे हमारे पायलट, इन्होंने हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचा दिया है। और ये थे हमारे को पैसेंजर। चलो तो इसी के साथ ये ट्रैक यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।